हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग्स। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा मतलब शाह फजल भाई का दूसरा बकरा है जो कि फॉर सेल के लिए उन्होंने निकाला है। ये भी बेंटम नस्ल में है। ये अब शाह फजल भाई के भाई जैसे हैं, मतलब इनके खास दोस्त हैं, तो उनको शाह फजल भाई जो है अपने भाई जैसे मानते हैं। शाह फजल भाई मेरे साथ यहाँ खड़े हैं साइड में वीडियो में। बकरे को उन्होंने पकड़ा है, होल्ड किया है, क्योंकि बकरा आप देख ही रहे हो कि वो ऐसे पकड़ा है तो दो दो टांग पे वो खड़ा हो जा रहा है। तो माशाल्लाह बकरे काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एग्रेसिव भी है। ठीक है, तो आइए इनकी डिटेल जानेंगे शाह फजल भाई से कि इनकी क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे समीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो इसकी डिटेल्स बताएंगे भाई शाह फजल भाई। समीर भाई, ये ना अभी अदंत है। ओके, और प्लस लिलीपुट है। ये लिलीपुट, मतलब लिलीपुट कोई अलग प्रजाति होती है? मतलब इधर शॉर्ट हाइट का बच्चा है और बहुत शॉर्ट हाइट में, और फुल गुलाबी बच्चा है। ओके, वगैरह सिंग वगैरह और पूरा टोटल A to Z गुलाबी बच्चा है और फुल गरम बच्चा है भाई ये। ओके, हाँ। तो ये क्या प्राइस कोट कर रहे हो आप इसका? इसका भी 16,000 रुपए। 16,000 नेगोशिएबल है? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, और इसकी सिंग भी गोल्ड सिंग है भाई। सिंग वगैरह का तो होगा इसमें, आप लोगों को क्लोज लुक दूंगा ये। हाँ। बाकी दूर से तो हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको बकरे की क्वालिटी दूर से भी पता चले, ताकि इनसे कोई एक्स्ट्रा वीडियोस वगैरह व्हाट्सएप पे परेशान करके ना मांगे। तो ये भी वही एक कि 24 घंटे का ट्रांसपोर्टेशन जहाँ तक वो रहेगा वहाँ पे, है ना, जैसे समवेयर अराउंड दिल्ली वगैरह। जैसे अभी ठंडी का मौसम में तो सारी ट्रेनें भी लेट हो रही है काफ़ी, तो दिल्ली 24 घंटे बोलने की वजह ये है समीर भाई, मैं इसमें मेंशन कर दूं, क्योंकि जानवर जो है ना 24 घंटे तक वो अपने आप को संभाल पाएगा। उसके आगे क्या, जानवर जाता है तो लोग बोलते हैं हम भेज देंगे, तो उससे जानवर का भी ट्रेन में मर गया, कुछ हो गया, तो ये वो परेशानी वाला काम करना ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम लोग ट्रेन में डालते हैं तो पानी और चारा हम लोग रख देते हैं खुद साथ में। हाँ, तो वो खाते पीते अपना 24 घंटे में वो हजम करके अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। मतलब चारा कोई ट्रेन में खिला, क्योंकि मैंने कभी ना ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो बनाया नहीं है यार। नहीं, फजल भाई नहीं, ऐसा है ना भाई, जो गार्ड वगैरह रहते हैं वो कैसा है, वो चिढ़ते हैं, पूछते भाई बकरे के साथ में कौन जा रहा है। मगर क्या, गार्ड्स वाले लोग को हम लोग कहते हैं भाई हमारा बंदा कोई जा नहीं रहा है, मगर हम लोग चारा वगैरह वो डब्बे में रख देते हैं और पानी का भी एक डब्बा हम लोग देते, पानी पी ले और चारा खा ले। और ये जानवर तो 3 दिन भूखा भी रहेगा तो मरने वाला नहीं, नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस तो आ जाएगी। हाँ, इसीलिए कि हम लोग के जानवर से भी हम तो मोहब्बत है, इसीलिए हम लोग चारा वगैरह ट्रेन में रख देते, खिलाते और वो सुकून से वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। जितना लगता है 3 दिन के लिए सफिशिएंट, उतना आप डाल देते हो बकरे के साथ में। जी ठीक है। और मतलब इसमें रस्ते में कोई कुछ देखने के लिए ऐसा केयर नहीं करता है पर्सनली, आगे ऐसा गार्ड वगैरह होते हैं वो आके देखते हैं? कोई नहीं, मतलब जो यहाँ से चढ़ा वो जहाँ पे उतरने वाला वही उतरेगा, बीच में कोई देखता नहीं। इसके लिए अलग से केज बना हुआ है, हवा पानी हवा वगैरह आने के लिए एकदम ठंडा, एकदम सुकून से बैठ सकते हैं जानवर, कोई शोर शराबा नहीं, आराम से एकदम खुले में रहता है। एक बार कभी अपन ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो बनाएंगे यार, इनके इनमें से कुछ ऐसे सोल आउट होते हैं ना भाई, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू भेजना। चलेगा, ठीक तो है। अपन एक वीडियो वो भी डालेंगे। चलेगा। तो कैसा, लोगों को बहुत सारी चीज, लोगों की रिक्वेस्ट है कि मतलब कि आप ट्रांसपोर्ट के भी वीडियो बनाओ। जी जी, कैसे किया जाता है जी? तो इनकेस इंशाल्लाह अगर आउट ऑफ मुंबई कहीं जाता है, अल्लाह करे कि आउट ऑफ मुंबई या कहीं आसपास भी जाए तो जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन इन केस अगर आउट ऑफ मुंबई कहीं जाता है तो एक वीडियो आप मुझे ध्यान से दीजिएगा, तो मैं ये डाल दूंगा। ठीक, ठीक। तो लोगों की थोड़ी जो रिक्वेस्ट है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस आते हैं वापस इसके बकरे के मुद्दे पे कि इसका जो है 16,000 फजल भाई कोट कर रहे हैं और नेगोशिएबल है। 24 आवर्स की जर्नी अगर है बकरे की, जैसे आप जहाँ पे हो वो रास्ता मुंबई से 24 घंटे की दूरी पे है, तो ही वो बकरा आपको भेज पाएंगे, अदरवाइज नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, आइए आपको मैं इसका क्लोज लुक एक दे देता हूँ कि बकरा किस क्वालिटी का है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी सिंग वगैरह माशाल्लाह एकदम गोल है, देख ही रहे हो आप, और माशाल्लाह गुलाबी कान वगैरह एकदम गुलाबी है, खुर भी इसके वाइट है। ठीक है, और कान एकदम खड़े हैं। अच्छा, ये बेंटम के अंदर मैंने सुना है कि कानों से पहचाना जाता है कि बेंटम ओरिजिनल है या नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक्चुअली जो खड़े कान रहेंगे वही बेंटम कहलाएगा। खड़े इन द सेंस ऐसे? हाँ, इस तरफ खड़े या फिर ऊपर की तरफ ऐसे होना चाहिए? ऐसे भी कान चलते हैं और 11 नंबर कान भी बोलते हैं, 11 नंबर वाला एकदम एकदम सीधे। ओके, तो ये खड़े कान होना चाहिए, एकदम कान की कान क्वालिटी होना चाहिए, शॉर्ट हाइट होना चाहिए।
अच्छा आप स्पेशली सीबेंटम में ही काम करते हो? सिर्फ बैंटम, इसके अलावा क्यों ऐसा, मतलब कोई रीजन? मतलब रीजन यही कि मुझे शौक बैंटम का ही है और बॉम्बे के हिसाब से शॉर्ट जगह है। हाँ। और शॉर्ट जगह में शॉर्ट काम होता है, अच्छा काम होता है, एक शौक भी पूरा होता है। Okay. और एक अपना जो छोटा मोटा कारोबार है वो भी चलता रहता। आपका मेन जो मेन बिजनेस है वो किस चीज का, वो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि ये भी लोगों को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप जी। जो मेन बिजनेस है वो एक्चुअली जो है नबी की सुन्नत, तो बहुत सारी सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं जो मिट्टी के बर्तन का मैं सेलर हूँ होलसेल, ठीक है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में हर कोने कोने से लोग आते हैं, फोन होता है मेरे पास, फोन से उनका डिमांड होता है। तो मेरे पास मिट्टी की प्लेटें हैं, प्याले हैं, गिलास है, जग है, मिट्टी का ऑल जो घर में इस्तेमाल जो बर्तन होते हैं ना, वो सारे बर्तन मेरे पास है। और लोग शादी वगैरह में अपनी बेटियों को गिफ्ट वगैरह में मिट्टी के बर्तन देते हैं, इसीलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी हज़रत फातिमा को तोहफे में मिट्टी के बर्तन ही दिए थे। माशाल्लाह। तो वही बर्तन का काम मैं कर रहा हूँ। और मैंने सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 11 बकरियाँ थी और एक बकरा था, इसी सुन्नत के मुताबिक मैं ये जानवर पाल रहा हूँ कि मुझे ये भी सवाब मुझे मिले। ओके, तो गाइज अगर आपको एतराज ना हो तो शाह फजल भाई मुझे आप एक वीडियो बनाने दोगे? हाँ, मेरा ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं। चलेगा, ठीक है। क्योंकि अपने छोटा सा वीडियो बनाएंगे 2-5 मिनट का, क्या क्या आप बनाते हो? चलेगा, उसको भी बनाता नहीं हूँ मैं, सेलर हूँ, मैं बेचता हूँ। आप मैन्युफैक्चरर नहीं? नहीं, मैन्युफैक्चरर। तो मतलब अपने पास अभी अवेलेबल है? बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा होलसेल काम है समीर भाई। तो अपन अभी उसका भी एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उस पर भी आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे इंशाल्लाह, वहाँ से जो काम हो सके वो। मैं मेरे को लग रहा है बनाना चाहिए। चलेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद आया आपका कॉन्सेप्ट इसीलिए। ठीक है, तो गाइज मैं अभी इनका जो मेन बिजनेस है जो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा, जो इन्होंने काम अभी बताया वीडियो में। अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा, तो आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी इसके बाद अपने पास कोई है फॉर सेल के लिए? वो एक छोटा सा बैंटम का बच्चा है। अच्छा, वो छोटा सी है, मतलब वो भी 7 महीने का बच्चा है, तो वो भी अपन ले लेते। ये कितने मंथ का है? 11 महीने का। ये 11 महीने का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग गाइस दूसरा एक बच्चा है वो 7 मंथ ओल्ड है, उसका भी वीडियो लेंगे इंशाल्लाह और उसका भी डिटेल जानेंगे वो क्या प्राइस में इनको सेल आउट करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।